जो केयर टेकर सेटअप और फिर जब बात होती है इत्तेहादियों से तो वो कहते हैं जी आपको इतनी उजलत क्या है, हम अनाउंस कर देंगे ना जी, अभी कोई अभी हम जा तो नहीं रहे, आखिरी दिन भी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो आपको लगता है मामला इतना ही सादा है या मामला बड़ा गुंजलक है जो हमें दिखाई दे रहा है? आपने चूंकि सवाल करने से पहले पिछली जो बात हो रही थी आपकी हसन अयूब साहब से उसकी बात की है, तो एक मुझे इजाजत अगर आप देंगे थोड़ी सी। मेरे ख्याल से हाथ कर दिया है पीटीआई के जो चीफ हैं उनके साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो ये कह देती कि जी ये काबिले समाअत नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने का हक जो है उनके पास मौजूद था, केस को रिमांड कर दिया है और ऑप्शन भी उसी जज को दे दिया है कि तुमने फैसला करना है, यानी जो तुम्हारा पहला फैसला था वो जरा थोड़ा सा वीक था, उसको ये फैसला हुमायूं दिलावर के कलम से आएगा। करेक्ट। एंड मेरे ख्याल से मैं इत्तेफाक करता हूं उनसे कि हाथ हो गया उनके साथ और कल यकीनी तौर पर क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं गुगली है। यस, दिस इज अ गुगली। गुगली गुगली हो गई। ठीक है जी, अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ, वो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए दो बातें तीन तय हो गई हैं। एक दफा तो हमें बताया गया ये कि ना वो कोई फॉर्म में जज होगा, ना कोई जनरल होगा, ना वो कोई जर्नलिस्ट होगा, सुन लिया हमने। लेकिन उसके बाद जितने नाम टॉय हुए उनमें ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हद तक कि दो खवातीन के नाम भी आ गए बीच में, रुकन मोहसिन का नाम आ गया, मलिया लोधी का नाम आ गया, याद है ना आपको? नहीं, वो जो चार नाम इस वक्त गर्दिश कर रहा हूं, अगर आप कहें तो मैं चार नाम पढ़ के आपके जी आप मुझे बता दीजिए, लेकिन मुझे मालूम है जिन चार नाम शायद खान अब्बासी है, असलम भूतानी है, हफीज शेख है और फवाद हसन फवाद है, यानी उसमें साबिका ब्यूरोक्रेट भी है, एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी है, दो सियासतदान भी हैं, सीनियर सियासतदान जिनका ताल्लुक एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, दूसरा बलूचिस्तान साइड से, इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। तो फिर उसमें इंपोर्टेड कैसे हो गया इकोनॉमिक एक्सपर्ट और ब्यूरोक्रेट? जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आते रहे ना, वो तो सिलसिला बहुत हो गया अब। और हफीज शेख साहब का नाम उनमें चुके मौजूद है, इसलिए मेरे ख्याल से तो उनके होने का कोई इम्कान नहीं। फिर नाम क्यों है? नाम तो ट्राई होते हैं ना हमेशा। नहीं सर, सवाल मेरा ये जब ये नहीं सर, ये पॉलिटिकल स्टेक हो, मुझे इजाजत दीजिएगा, जब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हमारे प्रोग्राम में भी बड़ी शदोमत से कहते रहे भाई सीनियर सियासतदान होना चाहिए, हमें और किसी पे एतमाद नहीं है, और भाई सीनियर सियासतदान होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी डिस्कशन कंक्लूसिव भी नहीं हो पा रही, आप किसी एक नाम पर इतफाक भी नहीं कर पा रहे, फिर आप ये चार नाम फ्लोट करते हैं, उसके अंदर इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, एक्स ब्यूरोक्रेट है, ये नाम क्यों आया? और अगर ये कंक्लूसिव नहीं होती तो कल को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनमें से इकोनॉमिक एक्सपर्ट या साबिका ब्यूरोक्रेट को उठा के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दिया, तो फिर आप किसको कोसेंगे? नाम तो आपने दिया था। थोड़ा सा हम जंप कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ मशावरत हुई है, अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं, इसमें से तीन नाम फाइनल होने हैं, वो तीन नाम क्या होंगे हमें अभी उसका अंदाज़ा नहीं है, कोई नाम किसी स्टेज पर अभी ऐड होने का इम्कान मौजूद है। हम भूल रहे हैं कि एक नाम टॉय किया गया था जिसका नाम है इसहाक डार जी, और कोई उसकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं कि वो किसने फ्लोट किया था। ठीक, कहीं वही ना हो जाए, क्योंकि वो नाम कहां से आया है भाई साहब? ये आपकी बात बादस के आस नहीं, देखें ये कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर डिस्कस हुआ तो फ्लोट हुआ ना। करेक्ट, अब आप मेरी बात समझ रहे हैं, इसलिए हुआ कि खुशी है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, जल्दी आप किसी की बात मानते नहीं है, लेकिन ये नाम जहां से फ्लोट हुआ आपको याद होगा, जरा पीछे चलते हैं पंजाब के हवाले से, जो नाम फ्लोट हुए थे किसी ने कोई सोचा था कि क्या होगा? ना आपस में इत्तेफाक हुआ, अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास गया और जो नाम होना था वो हो गया। तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि यहाँ भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब अनाउंसमेंट करेंगे तो नाम तो उसी में से पिक करेंगे ना जो आप फ्लोट करेंगे, वो नाम ऐड हो जाएगा ना किसी भी स्टेज के ऊपर, अभी तो वो स्टेज गुजरी नहीं है व्हाटसोएवर। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कंसल्टेशन के अंदर भी आपका कोई प्रिंसिपल स्टांस होता है ना, आप प्रिंसिपल पोजिशन लेते हैं कि मैं सीनियर सियासतदान होगा, फिर ये कहाँ से आ जाते हैं? मतलब आप अंदाजा लगाइए कि हफीज शेख साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे, हफीज शेख पीटीआई का भी हिस्सा रहे, हफीज शेख कंसर्न क्वार्टर्स के मंजूर नजर भी हैं, ताकतवर हलकों की भी मंजूर नजर है, वो मोइन कुरेशी पार्ट टू या शौकत अजीज पार्ट टू है, फिर ये नाम आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं जब आपको नाम इतना बुरा लगता है और आप चाहते भी नहीं है कि कोई ऐसा पैराशूटर? मेरे ख्याल से इसके पीछे एक ट्रिकी सिचुएशन है। अच्छा, चूंकि जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनने जा रही है उसने ना तो पीपल्स पार्टी की सुननी है, ना नून लीग की सुननी है, ना जेयूआई की सुननी है, ना किसी और की सुननी है। अच्छा, उसने जिनकी सुननी है उनका नाम फाइनल होना है। अब इससे खुल के कहूँ तो इसहाक डार का नाम मेरा ख्याल है कि अशराफिया कह लें आप उसको, एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप उसको, उनकी तरफ से फ्लोट हुआ। और दो रीजंस हैं उसकी, ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, आप इसको गलत कह सकते हैं। एक तो ये कि इंटरिम सेटअप 90 दिन का होने नहीं जा रहा, भूल जाइए इसको, ठीक हो गया। देयरफॉर समबडी हैज टू बी देयर जो IMF के साथ किए हुए मुआहदे और इकोनॉमिक सिचुएशन की कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सके। कौन है जनाब वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट? Who is इसहाक डार? वो आप इसहाक डार इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, लेकिन somebody कुछ भी मुझे लग रहा है expertise in commerce finance। आपकी परेशानी एज ए डेमोक्रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ भी डेमोक्रेसी के एतबार से होने नहीं जा रहा। ये वही तय करेंगे
उन्हीं ने तय करना है और उन्हीं का बंदा आएगा, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जरिए अनाउंस हो या खुद ये आपस में मशावरत कर रहे। देखिए हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, मैंने आपको हवाला जानबूझ के दिया है। वो ये तय करना कि किसने उस हुकूमत को 3 महीने कह लें, 6 महीने कह लें, साल कह लें चलाना है, ये फैसला इन सियासतदानों ने नहीं करना, ना ये इनके बस। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सर, ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या Absolutely, है कि हम एक बार फिर शौकत अजीज या मोइन कुरैशी की कॉन्टिन्यूएशन, और फिर ये सियासतदान कह रहे होंगे कि पैराशूटर्स हमें कबूल नहीं है, वो आते हैं इकोनॉमी का तहस नहस करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे पावर इतने एम्पावर्ड नहीं होते हैं, ऑल दो बड़े एम्पावर्ड होते हैं उस तरफ से जहां से उन्होंने डिसीजन लेना होता है, लेकिन बोरी बिस्तरा गोल करते हैं और वापस वहीं चले जाते हैं जहां से वो आए होते हैं। फिर थोड़ी सी जिसारत करूं मैं जी, वो ये कि जिस तरीके से हम IMF के आगे लेटे हुए हैं, ये हफीज शेख का नाम वहां से फ्लोट हुआ है, ठीक, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, नाउ यू आर गेटिंग मी, ठीक, ये नाम उनका है, ठीक, और अगर आएगा तो कंसीडर तो होगा, आप चाहे करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हमने कौन सी बात उनकी पहले नहीं मानी है जो हम ये नहीं मानेंगे उनकी? हफीज शेख इज नॉमिनी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्लस द वेस्ट। अच्छा, आप मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त इकोनॉमिक टर्मोइल है, वो अभी बादल छटे नहीं है, अभी भी हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट लेके बैठे हुए हैं IMF का, वो हमें पूरा करना है, अदरवाइज उसके बाद फिर हम उसी सवाल उठा रहे होंगे डिफॉल्ट कर गया नहीं कर गया। तो और हम अगर अपनी पॉलिटिकल जरा हिस्ट्री उठा के देखें तो उस पर भी जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनका बड़ा फेवरेट रहा है कि कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट होना चाहिए, वो हमेशा तकिया करते हैं इकोनॉमिक एक्सपर्ट के ऊपर। तो आप देख रहे हैं कि अभी नथिंग हैज बीन चेंज्ड, माइंडसेट वही है। इतनी तब्दीली जरूर आई है कि इस दफा वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो है वो फॉरेन नॉमिनेटेड नहीं होगा, वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक लेकिन होगा इकोनॉमिक एक्सपर्ट, होगा इकोनॉमिक एक्सपर्ट। तो ये भी तय है कि ये जो डिस्कशन हो रही है ये कोई कंक्लूसिव नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ये पार्लियामानी कमेटीज को जाना है, पार्लियामानी कमेटीज में भी ये मामला विल स्टे हैंगिंग इन द एयर। यस, और वो नाम कहीं से भी आ सकता है, वो नाम राजा रियाज ले सकते हैं भाई, उसको कौन रोक सकता है, उनको नाम ही इंक्लूड करना है ना। जब इतफाक नहीं होगा तो 3 नाम वो और 3 नाम ये जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं भाई साहब, आपने कल वजीर आजम का जो इशाइया था उसे प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब आपने सुना होगा, वो भी खासा फोकस्ड था टूवर्ड्स इकोनॉमी, उनका जो फोकस था वो इकोनॉमी था, डिफॉल्ट था, परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी रही, प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, साग डार साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमने बहुत अच्छा, और फिर वो तारीफ करते हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की, बड़ी अच्छी बात। इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो अलाइनमेंट थी आज से कुछ 4-5 महीने पहले, वो अलाइनमेंट अब नहीं है, जो लाइन शहबाज शरीफ साहब लिए हुए हैं वो उन्हीं की है, जिनका फैसला होना है, जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं या ताकतवर हल्के हैं, और बाकी रेस्ट ऑफ द कोलिशन पार्टनर्स आर ऑन द अदर साइड। या आपको लगता है सेम पेज अभी भी बरकरार है, जो कुछ हो रहा है ये तय है, रजामंदी से हो रहा है? जहां तक एस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ हैज ऑलवेज बीन देयर हॉर्स, उनका है, ये एस्टेब्लिशमेंट है, कोई इसके बारे में किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। 12 को बाईपास तकरीब से खिताब करते हुए कल उन्होंने कह दिया, आप भले नाराज होते हो, मैं एस्टेब्लिशमेंट का, उनका और एस्टेब्लिशमेंट का एक ही फोकस है, ठीक, उनका एक ही नॉमिनी होगा, इसलिए इसमें किसी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल्स पार्टी जो है वो गिव एंड टेक के ऊपर खड़ी है हमेशा की तरह से, उनको थोड़ी स्पेस चाहिए पंजाब में, वो अगर मिल जाती है उनको तो दे विल डू एनीथिंग। ये जो आंखें दिखाई हैं रजा रहमानी साहब हैं, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो सिर्फ गिव एंड टेक के ऊपर है। जरदारी साहब इज़ ए बेस्ट बारगेनर। क्या आपको लग रहा है कि अभी पीपल्स पार्टी ने कोई स्ट्रेंथ गेन की है, तगड़े हुए हैं या वीक हो गए हैं? ये खासतौर पर वीक नहीं हुए हैं, थोड़ी सी पोजिशन गेन की है उन्होंने, पर्टिकुलरली इन सिंध, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिंध तमाम तर कबाहतों के बावजूद अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा है। जरदारी साहब का ख्याल ये था कि अगर हमें थोड़ी सी स्पेस पंजाब में मिल जाए, 15-20 सीटें, और बलूचिस्तान में जैसा कि उनकी हमेशा से थोड़ी बहुत वो हुई है, नहीं हो रहा, तो वो उन्होंने ये जो कहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी और मुल्क के आइंदा वजीर आजम होंगे, वो इन्हीं ख्वाहिशात, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ ना, नहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करेक्ट, ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वही होगा जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो वो तो फिर पीपल्स पार्टी को तो कबूल नहीं होगा। अभी वजीर आला सिंध का फिर गिव एंड टेक की बात जो है, इसकी कोई लिमिट्स नहीं होती। एक और कैरेक्टर हम भूल रहे हैं, और वो कैरेक्टर है बड़े मियां साहब का, तो वो कहाँ है इस सारी पोजीशन में? वो छोटे भाई के साथ सेम पेज पे शहबाज साहब, क्योंकि उन्होंने तो सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग लड़ी है ना सर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेट जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ
गुड कॉप बैड कॉप वाला जो मामला है वो उसी तरह बदस्तूर खड़ा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब अभी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वापस नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ हिज ट्रैक रिकॉर्ड। आप तो हमें बताते रहे कि वापस आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं, 14 अगस्त को आएंगे। मेरा भी यही ख्याल था, मैंने डेट दी थी, आपने अच्छा किया मुझे याद करा, 14 अगस्त को आपने। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तब्दील होंगी तो उसके साथ साथ सारे सारे हवाले तब्दील हो जाएंगे। ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो गई है, हाँ जी, या ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो नहीं रही है, जो पहले थी, जो ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। करेक्ट, ये इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं। होगा वही जो पिया चाहेंगे, और पिया कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आके वक्त के लिए। सीनियर सारा सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनकी अच्छी बात यह है कि कुछ कहा भी नहीं और कह भी गए, बहुत सारी बातें जो है वो बिन कही कह जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, क्विक शॉर्ट ब्रेक लेके ब्रेक के बाद वापस आएंगे, सारी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे हमारे साथ।